होने वाली सर, पहले बता रहा हूँ, तैयार हो ना, एक्यूरेसी मेंटेन करो सबसे पहले। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने मॉर्निंग में बताया तुम लोगों को, इस बार जो मैथ का पेपर आएगा वो नॉर्मली पिछले वाले के कंपैरिजन में इजी आएगा, और जो जीएटी है उसका रिव्यू तुमको जब एग्जाम खत्म होता तुमको बताऊंगा मैं। कैलकुलस का सवाल कितने, 10 क्वेश्चन, वही पहले वाला वो तो नहीं ज़्यादा से बचाएगा। अच्छा, 2D 3D वेक्टर, मैट्रिक्स। अभी तुम मुझे बताओ किस बच्चे का कैलकुलस अच्छा ना होगा, सपोज करो मेरा कैलकुलस खराब है तो एग्ज़ाम निकल सकते हैं इंडिया। हाँ, मतलब अगर बाकी से पूछ रहा हो तो एग्ज़ाम निकल सकते हैं। सेफ अटेम्प्ट कितने हैं तुम्हारे, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट है। मैं फिर कहता हूँ 60 क्वेश्चन अगर तुम सही कर लोगे 150 मार्क्स हो गए बेटा, 100 नंबर इंग्लिश में आ जाएंगे। अभी तक 360 कट ऑफ नहीं गई है, 360 वुड बी द सेफ स्कोर, आपको मेरिट में कोई ना कोई पोजीशन मिल जाएगी। आप कहाँ से आए हैं सर? कानपुर से। यहाँ कैसे आना हुआ? बहुत दूर सेंटर दिया। तैयारी की थी पहला अटेम्प्ट का? पहला अटेम्प्ट था तैयारी। फौज में क्यों जाना है सर? फौज में जाना है, इच्छा है हमारे पिताजी की इच्छा है। अच्छा, फादर की इच्छा है। अच्छा, आर्मी एयरफोर्स में भी क्या पहले प्रेफरेंस है? एयरफोर्स पहले। आज के पेपर में कितने सब कुछ दिख रहे हो? आज का पेपर सर बहुत ईजी था, बस हमारी प्रैक्टिस। लास्ट टाइम कंपेरिजन में सर बहुत ऊपर ही दिया, लास्ट ईयर हमने दिया था सर, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं मेरा। अच्छा, पेपर मैं आपको सही बताऊँ, पेपर बहुत ईजी था, बस प्रैक्टिस की कमी थी, ऐसी कोई चीज़ नहीं आई थी जो हमने पढ़ी ना। अच्छा, प्रैक्टिस की कमी थी। हाँ। अच्छा, बुक्स को फॉलो करने चाहिए, मैं आज भी कहता हूँ बेटा एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत आते हैं डायरेक्ट, लोग आरडी शर्मा करते पता नहीं क्या क्या करते हैं, कई तो लोग यूट्यूब पर डराते बेटा ये किताब करो वो किताब करो, मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ो, पेपर पास हो जाएगा। बाकी और लोगों से भी पूछते हैं कौन कौन कहाँ से आया। रिव्यू देना चाहेंगे आप, एनडीए एग्जाम कैसा हुआ, मैथ कैसा हुआ, नॉर्मल कितना टाइम की बेटा, 80 कैलकुलस नहीं किया। अच्छा, पहला टाइम था, फर्स्ट टाइम दे रहे हो, सेकंड, इस बार क्या इंप्रूव कर गया है? चलो भाई, तो ये मैथ का रिव्यू है, कुछ और बच्चे हैं उनसे ही पूछ लेते हैं किसका कैसा गया। हाँ भाई, रिव्यू देना चाहोगे? अरे बता दो यार, कुछ कुछ बातें कहाँ से आए ये बता दो, कहाँ से आए हैं? बिहार से। यहाँ कैसे? वो दिल्ली में। प्लीज थोड़ा खड़े जाओ, दिल्ली में रहते हो इसलिए? हाँ। पहला टाइम था? नहीं, सेकंड। क्या कितना इंप्रूव किया इस बार? 80 के आसपास। कितना सही होगा? 70। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, अगर एक्यूरेसी अच्छी है ना, अटेम्प्ट चेक कम करो तो पास हो सकते हो। तब क्या लगता है, मैथ या जीएडी? मैथ टफ है, और लास्ट के पेपर के कंपेरिजन में इस बार पेपर अच्छा आया है ना, लास्ट वाला टफ था। जीएटी में जो भी पेपर देने जाएंगे कम अटेम्प्ट करो, एक्यूरेसी अटेम्प्ट करो, 360-400 तक का स्कोर बनाओ, इजीली क्लियर हो जाएगा। कहाँ से हैं सर आप? महेंद्रगढ़ से। पहला अटेम्प्ट या कौन सा अटेम्प्ट था? क्या नया क्या इस बार? 70 क्वेश्चन, एक्यूरेसी अच्छी है?
सेल्फी पे गया कहीं से कोचिंग ली? सेल्फी। बहुत बढ़िया। आर्मी नेवी एयरफोर्स क्या पहली चॉइस है? एयरफोर्स। एयरफोर्स कितना टाइम किए, मतलब एक्यूरेसी क्या रहेगी? 70 सही। कैलकुलस कब रहेगी? इजी रहा। कहाँ से हैं सर आप? भिवानी से। कौन से गाँव से हो? अच्छा, पहला टाइम था, कौन सा टाइम था? इस बार क्या अच्छा किया? पहले से अच्छा किया। पहले से अच्छा किया। कितने टाइम किए? 80 क्वेश्चन। कितनी एक्यूरेसी? 100%। आर्मी ने भी एयरफोर्स पहली प्रेफरेंस किया है? एयरफोर्स। क्यों? अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से हैं? अमृतसर से। इतना दूर दूर सेंटर है, बहुत लोगों का दूर दूर सेंटर है। अच्छा, इसमें कितने लोग प्रेजेंट रहे पेपर में, कितने लोग अब्सेंट थे क्लास में जब तुम रहे हो? कितनी सीटें खाली दिखी? आधे आधे। देखो भाई, 40% का तो हर बार रहता है, 40% हमेशा लोग वैकेंट ही रह जाते हैं। पेपर देने आते नहीं सिर्फ, वो लोग ना फिल कर देते हैं लेकिन वो आते नहीं है। दिस इज द फर्स्ट, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ ये होता है हमेशा, 40% लोग अब्सेंट रह जाते हैं और डेडिकेशन सिर्फ 20 मिनट में होती है। लोग 100 फॉर्म भर रहे हैं तो 20 लोग ही पढ़ के आते हैं, बाकी तो बस चलो दिल्ली गुड़गांव घूम। ये कहाँ के सर हुआ? जानबूझ के सेंटर पर है वैसे। कितने टाइम किए? 65। ओके गुड। संजय को बुला लो एक बार यहाँ पे। ओके अच्छा क्या लगता है, मैथ या जीएटी? जीएटी अच्छा लगता है। मैथ टफ लगता है? अच्छा लगता है लेकिन। क्या स्ट्रेटजी प्लान की है जीएटी के लिए? अच्छा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी। देखो बहुत नॉन मेडिकल से देखें, देखो बहुत सारे बच्चों में ना ये सबसे बड़ी समस्या है कि वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी को पढ़ते नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, अगर तुम ढंग से पढ़ो ना तो एग्ज़ाम निकल सकता है ना। चलो कुछ और लोगों से पूछते हैं यहाँ पे कुछ। देखो मतलब कितना वेट कर रहे हैं पेरेंट्स भी आखिरकार, ठीक है ना।